देखिए जी, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, देखिए अब जरा क्या क्या बताया गया है क्वेश्चन में। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो सबसे पहले आप डेट को जरूर चेक करिएगा, हमारा करंट ईयर क्या है। इट इज 31 मार्च 2021, इसका मतलब 2020 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, 2022 हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, आप देखिए इस बार बैलेंस ब्रॉट डाउन थोड़े अलग तरीके से गिवन है। यहां पे कैश इन हैंड है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट है, कैश इन करंट अकाउंट है। देखो बेटे, डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों ही बैंक के बैलेंसेस है, कैश इन हैंड कैश का बैलेंस है। जिस तरह से बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है ठीक उसी तरह से बैलेंस कैरी डाउन भी गिवन है। तो देखिए जिस तरीके से ये यहां प्रेजेंट कर रहा है, हम इसी तरीके से इन बैलेंसेस को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में रिस्पेक्टिवली दिखाएंगे। बाकी हमें इसमें कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आइए। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे इस बार हमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हैं। आप देखिए क्या क्या गिवन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पे निशान लगाइए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस के भी दो बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन के भी, आउटस्टैंडिंग के भी दो बैलेंस है, तो आप दो बार इसे टिक करेंगे। फिर हमें गिवन है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी ये गिवन है जी, स्टाफ सैलरी निशान लगा दीजिए। फर्नीचर शुरुआत का गिवन है 10,000 रुपए, मतलब पिछले साल फर्नीचर 10,000 का रहा, चेक करिए कहीं पे भी फर्नीचर आ रहा हो, ये रहा जी। नेक्स्ट हमें गिवन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस, अब चेक करिए कहीं पे भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर आ रहा हो तो उस पर निशान लगाइए, ये कहीं भी नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। फिर डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 30%। फर्नीचर पे एक और एडजस्टमेंट है तो एक निशान और, और देखिए दूसरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, तो आप यहां पे इस पे निशान लगा के रखिएगा, समझ गए। क्वेश्चन ने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। एक बार फिर से आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट ही मांगी गई है, लेकिन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि कैपिटल फंड का बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से ही पता चलता है। तो बेटे जल्दी से अब शुरू हो जाइए। सबसे पहले तो फॉर्मेट अपने रेडी करते हैं, तीन चीजें बना के रखिएगा। एक पेज पे तो ओपनिंग बैलेंस शीट आएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये लो जी ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, और फिर इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लीजिए। ये बन गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, फिर इसके बाद बनाइएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये लो जी ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैलेंस शीट पे ओपनिंग और क्लोजिंग लिख रहे हैं, इन दैट केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द डेट ऑफ बैलेंस शीट।
तो हम यहाँ पे बिना डेट के लिखे ही काम चलाएंगे, इसे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की होती है दो साइड्स, एक होती है जी लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज का अमाउंट, और दूसरी एसेट्स, और ये है जी एसेट्स का अमाउंट। फिर इसके बाद बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लो जी ये बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग इस पे आपको डेट मेंशन करनी होती है, और डेट कौन सी आएगी, जो हमारा करंट ईयर है यानी कि 31 मार्च 2020, दिस इज 21, दिस इज करंट ईयर 2021। डेबिट साइड को आप एक्सपेंडिचर लिखे, एक्सपेंडिचर का अमाउंट रुपीज का साइन, क्रेडिट साइड को इनकम लिखिएगा, और यहां आएगा इनकम का अमाउंट रुपीज का साइन। ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो पहले इसकी हेडिंग लिख देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दो साइड्स होगी, पहली साइड हमारी क्या रहेगी, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का अमाउंट, और फिर से एसेट्स और एसेट्स का अमाउंट, रुपीस का साइन लगाना ना भूले। ये हमारा फॉर्मेट हो गया जी कंप्लीटली रेडी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 22। रिसिप्ट साइड से बेटे जी शुरू करिएगा। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आपको गिवन है कैश और बैंक के बैलेंसेस। अब देखिए जिस तरीके से बैलेंसेस दिए जाएंगे आप उसी तरीके से बैलेंसेस को प्रेजेंट करेंगे, यानी कि अगर तीन बैलेंसेस गिवन है तो आप इसे तीन बैलेंसेस के तौर पे ही यहां दिखाएंगे। कैश इन हैंड 4000, फिर हमें गिवन है कैश इन डिपॉजिट अकाउंट। जिस तरीके से बेटे जी सवाल किया जाएगा उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो हम भी इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसा कि हमें गिवन है। और इसके बाद हमें गिवन है कैश इन करंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस को लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन पे है एडजस्टमेंट। अब ये बात तो हमें पता चली चुकी है अब तक जो क्वेश्चंस किए कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट तो पक्का बनेगा जी। तो बेटे सब्सक्रिप्शन लिखिए क्रेडिट साइड में, यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1 डालिए, और जल्दी से क्लोजिंग बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना बहुत अच्छे से आता है, आप में से कई बच्चे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बकायदा बेटे जी एक्सपर्ट हो गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इसका क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हर बार इसका अकाउंट बन रहा है, और देखिए 99% क्वेश्चंस में बनेगा ही बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बताओ बेटे जी किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला वो सब्सक्रिप्शन आप लिखिए क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। इस बार सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है, 80,000। अब देखिए इसमें चार बैलेंसेस गिवन है, चार बैलेंसेस, चारों बैलेंसेस जहां भी जाने हैं आप उन बैलेंसेस को
सबसे पहले हमें गिवन है बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग का। शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 7,000 रुपए, एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 5,600। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में एक बात हो सकता है कि आ रही हो, सर आपने कहा था कि क्लोजिंग बैलेंस में ओम एज ओम या फिर फोर हमें चेक करना होता है, लेकिन पिछले 2-3 क्वेश्चंस में तो आपने चेक किया ही नहीं। तो बेटे ध्यान से सुनो, एज ओन और फोर आपको सिर्फ तब चेक करना है जब आपके पास स्टिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रहा हो। स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमें इस साल नहीं मिलता। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है बस तभी आप चेक करिएगा एज ऑन और फोर। अगर नहीं है तो फिर हम जैसे अभी तक कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करके चलिए विदाउट चेकिंग। उसके बाद हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी बैलेंस की है। और बेटी जी एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है हमारे लिए लाइब्रेरी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में एडवांस 2,000 रुपए, और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसे एडवांस, और ये हमें गिवन है 2,500। बस बेटे जी हो गया। अब आप टोटल कर दीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितना अमाउंट जाना चाहिए वो यहाँ आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टोटल करेंगे तो ये बनेगा 87,600। 87,600 में से 9,500 को सब्ट्रैक्ट करिए। 9,500 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 76,100 बचता है। को किससे? 87,600 से ना, तो 87 से 78 बचेगा। ठीक है जी, 78,100। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनने के बाद जहां पे जो आइटम जाना चाहिए पहले उसे भेजिए, उसके बाद नेक्स्ट आइटम पे नजर पड़ दीजिए, ठीक है ना। तो देखो ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट होता है, तो आप इसे एसेट साइड में दिखाएंगे 7,000 रुपए। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो आप इसे लाइबिलिटीज में ही दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस था 2,000 रुपए। नेक्स्ट हमें गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस बार बेटे 78,100 निकल के आया, तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा? 78,100। आगे देखिए बाय बैंक, ये कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही से रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में गिवन था। ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा लाइबिलिटीज में, लिख दीजिएगा लाइबिलिटीज में एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट हमें कितना गिवन है एडवांस सब्सक्रिप्शन का? 2,500। फिर हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,600 क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे बच्चे ये भी कहाँ आएगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन अब किस साइड आएगा? ये एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,600। ओके, लो जी ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट पूरी तरह से डन। अब अगले आइटम पे बढ़िए। नेक्स्ट हमें गिवन है एंट्रेंस फीस 12,000 रुपए। एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ भी ना बताया जाए कि उसे इनकम मानना है या फिर लाइबिलिटी मानना है, तो हम इसे हमेशा ही इनकम मानते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था।
तो बेटे यहाँ पे भी आप इसे इनकम ही मानेंगे, क्योंकि एंट्रेंस फीस गिवन है, ये नहीं बताया कि इसे कैपिटलाइज करना है। अगर वो बोलता है कैपिटलाइज करना है तो एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं बताया है, तो आप इसे इनकम मानेंगे और इनकम आएगी हमारी क्रेडिट साइड में 12,000 रुपये। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमें गिवन है नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस सभी को पता है कि ये लाइबिलिटीज में आता है, और क्योंकि ये इस साल रिसीव हुआ है, तो बेटे बताओ ये कौन सी बैलेंस शीट में आएगा? क्या मैं इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाऊं? बताओ जरा। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये रिसीव किस साल हुआ है? करंट ईयर में। तो बेटे जब करंट ईयर में रिसीव हुआ तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में ही तो जाएगा 15,000। ओके, अगला हमें गिवन है न्यूज़पेपर सेल्स 200 रुपीज। 200 रुपए के अखबार बेच दिए। अब एक क्लब में ढेर सारे अखबार आते रहते हैं और बार बार ये बिकते रहते हैं, तो ये हमारे लिए इनकम बनती है, लाइबिलिटी थोड़ी ना है। बाय सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, भाई लाइबिलिटी तो तब होती है जब उसकी कोई जिम्मेदारी हो। बेटे अखबार बेचने से जो भी पैसा आएगा मेरा मन करेगा वहां खर्च करूंगा, तो ये मेरे लिए इनकम है। कैंटीन कलेक्शंस, कैंटीन कलेक्शंस हमारे लिए इनकम होती है। याद है आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मथुरा में एक प्रेम मंदिर है जहां पे कैंटीन है बहुत बड़ा, और वहां पे खाना बना के बेचा जाता है। तो बेटे वो एनपीओ के लिए क्या है? इनकम। तो ये भी इनकम साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट किसी भी किस्म का हो ये हमेशा ही इनकम होती है, लाइबिलिटी नहीं होती है। देखो लाइबिलिटी की एक पहचान है वो रिस्ट्रिक्टेड यूज के साथ आएगी, मतलब कभी एक तो कभी कभी मिल रही होगी, रेगुलर नहीं मिल रही होगी, और दूसरा उसका जो यूज है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब पर्पस होता है जी उसका, जिम्मेदारी होती है कि उसे एक पर्टिकुलर जगह पे ही स्पेंड किया जाए। लो बेटे इंटरेस्ट भी हो गया। अब आ जाइए पेमेंट्स पे। रिसिप्ट साइड पूरी निपट गई है, पेमेंट पे आएंगे तो सबसे पहले गिवन है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी हमें गिवन है 35,400। स्टाफ सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो इसे इनर कॉलम में रखिएगा, 35,400। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बताई गई है पिछले साल की और इस साल की। जो पिछले साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो खर्चा किस ईयर का है? करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? अरे भाई प्रीवियस ईयर का, तभी तो वो पिछले साल उधार हो हुई, समझ रहे हैं अब बात को? देखिए वो प्रीवियस ईयर का खर्चा है, इसी वजह से लास्ट ईयर वो उधार हुआ। तो जो पिछले साल का खर्चा होता है और हमने इस साल पे कर दिया, उसे यहां से करना है माइनस। आउटस्टैंडिंग 2020 माइनस होगा, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2021 का वो हो जाएगा प्लस। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बताइए जी कितना है? 1200। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1800। यानी कि 1200 माइनस करने, 1800 प्लस करने हैं, यानी कि 600 रुपये प्लस कर दीजिए, 36,000 आउटर कॉलम में। लेकिन एडजस्टमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, अभी जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ओपनिंग, बोलो बेटे वो कहाँ आएगी? वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये पिछले साल का उधार था, और जो इस साल का उधार है वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ आएगा? वो आएगा जी इसी साल की बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800। ओके, लो जी सैलरी की एडजस्टमेंट भी हमने साथ साथ कंप्लीट की। आगे हमें गिवन है कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम खर्चे हैं,
हम खर्चे हैं, तो बेटे जब वो खर्चा ही है तो उसे एक्सपेंडिचर में ले आओ। कैंटीन एक्सपेंसेस 3,500, उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये भी बेचारा बहुत गला फाड़ के बोल रहा है कि मैं भी क्या हूं एक खर्चा। देखो पेमेंट साइड में जितनी भी चीजें हैं वो या तो खर्चे होंगी या फिर एसेट्स होंगी, बस इतनी सी पहचान करनी होती है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी बेटे क्या होता है, हर साल खर्चा जो किया जाता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जाता है ना। जैसे देखिए आपके पास कोई व्हीकल होगा तो उसका इंश्योरेंस हर साल कराया जाता है, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, मतलब देखो अपने नाम के साथ ही एक्सपेंस जोड़ दिया, तो जो इतना क्लियर हो उसके बारे में तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं कि ये भी हमारे लिए खर्चा है। 4,800 फर्नीचर परचेज, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि फर्नीचर एसेट है, इसे बाद में करेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज भी एक एसेट है, इसे भी हम बाद में करेंगे। अब आइए बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन बेटे मतलब क्या, बैलेंस कैरी डाउन तीन चीजों के बैलेंस गिवन है। पहला कैश, कैश हमें गिवन है 6,700 रुपये, ये दिखाइए। फिर हमें गिवन है कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, तो ये भी यही आएगा। डिपॉजिट अकाउंट में कैश था हमारा 20,000 रुपीज, 20,000, और इसके अलावा कैश इन करंट अकाउंट। जिस तरीके से क्वेश्चन देगा हम उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना कि सवाल जिस जबान में किया जाता है जवाब उसी जबान में दिया जाता है। ठीक है, ओके बेटे, हमने सारी चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ट्रांसफर कर दी जिसे जहां जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एसेट्स हमने छोड़ रखे। अब आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, और सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को पूरा करिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो चुका है, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हो गया। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये भी हो चुका है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपये, ये अभी नहीं हुआ है। ओपनिंग बैलेंस बेटे किसी भी एसेट का हो तो वो कहाँ आएगा, सबको पता है कि वो कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000। वेरी वेरी गुड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 20,000। तो बेटे जी जो बिगिनिंग में एसेट्स है वो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में आएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। लो बेटे ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। अब एक एडजस्टमेंट बची है डेप्रिसिएशन की। आपको अच्छे से पता है डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं लगेगा, वो क्लोजिंग में ही लगेगा क्योंकि वो इस साल का डेप्रिसिएशन है। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले बंद करिए, उसके बाद एसेट्स की एडजस्टमेंट करिए, बस फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टोटल करो बेटे जी, बताओ कितना टोटल आता है, ये आ रहा है 62,200 रुपीज, 62,200 रुपीज। इसमें से लाइबिलिटी साइड को माइनस करिए तो हमें हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल फंड मिल जाएगा। ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब आप एसेट्स को पकड़िए जो छोड़ रखे थे। सबसे पहले है फर्नीचर परचेज जिसपे दो दो एडजस्टमेंट्स हैं। फर्नीचर परचेज पे पहला तो यही है, चेक करें कि शुरुआत में कितना था, 10,000 रुपये। कितना खरीद लिया, 15,000 रुपये। तो बताओ बेटे कितना फर्नीचर एंड में हो गया।
भाई अगर 10,000 पहले था, 15,000 खरीद लिया, तो एंड में वेरी वेरी गुड 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये बेटे एंड में फर्नीचर हो गया हमारे पास। अब इस पे एक और एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन भी लगाइए फर्नीचर पे 20%। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो इस साल खरीदा गया है फर्नीचर, क्या उस फर्नीचर की परचेज की डेट गिवन है? चेक करो क्वेश्चन में कहीं पर डेट गिवन हो। नहीं है बेटे, डेट गिवन ना हो तो आप ये मान लेना कि ये एसेट पहली ही तारीख पे खरीदा गया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब अब आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है 20%, बिना सोचे समझे 25,000 पे पूरे साल का लगा दो, क्योंकि देखिए दोनों एसेट पूरे साल यूज हुए हैं। 20% के हिसाब से 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा और फर्नीचर की कीमत बचेगी 20,000। ये जो डेप्रिसिएशन लगा है ये अपने लिए है नुकसान, और नुकसान जितने भी होते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज। लो जी, दूसरी चीज इसमें गिवन थी इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। तो बेटे एक बात बताओ, क्या शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास एसेट्स में? चेक कर लो, नहीं थी। अगर शुरुआत में नहीं थी तो इसका मतलब हमने ये इसी साल खरीदी, तो इस साल के बैलेंस शीट में तो आएगी क्योंकि ये इस साल हमने खरीद ली थी, तो बस इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दीजिए जितने की आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया। इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है 46,000 की। ये लो जी 46 यहां आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि सारे के सारे एसेट्स जो यहां पर है वो सारे के सारे आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ गए हो। लेकिन इससे पहले चेक करिए क्या हमारी सारी एडजस्टमेंट निपट गई। एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 30% डेप्रिसिएशन लगता है, वो बची हुई है। तो देखो इस साल हमने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा तो है नहीं, शुरुआत में अपने पास कितना था 20,000। 20,000 पे बेटे लास्ट में बस डेप्रिसिएशन लगा दो, देखो जरा कैसे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपए का था और बस लास्ट में इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ना खरीदा गया ना बेचा गया, 30% के हिसाब से 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, बैलेंस बचेगा 14,000 रुपए। और ये जो 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है ये आएगा हमारा डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000 रुपए। क्या अब हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गई? चेक कर लीजिए, एक भी एडजस्टमेंट नहीं बची है बेटा जी। तो बस अब आप क्या करेंगे, एक बार चेक कर लीजिए जितनी चीजें इस बैलेंस शीट में है वो सारी चीजें क्लोजिंग में भी आ गई हो। अगर नहीं गई है तो फिर ट्रांसफर करिए। देखिए अब जरा, शुरुआत में अपने पास कैश इन हैंड था, डिपॉजिट था, करंट अकाउंट था, ये तीनों चीजें हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, फर्नीचर शुरू में था एंड में भी है, फर्नीचर के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुरू में भी था यहां पे भी है। सर क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट है, सर ओपनिंग में नहीं है, चलो ट्रांसफर करते हैं। बेटे कर दूं क्या ट्रांसफर? ये उल्टी गंगा मत बहाना। पिछले साल के बैलेंसेस इस साल लेके आए जाते हैं, इस साल के पिछले साल मत ले जाना। जो गुजरा हुआ समय है आप उसमें नहीं जा सकते, सब्सक्रिप्शन यहां पर भी है और क्लोजिंग में भी है, देख लीजिए। और इसके अलावा
आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे भी है, क्लोजिंग में भी है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्लोजिंग में है, ओपनिंग में नहीं है, तो क्या किसे ले जाए? नहीं, अभी क्या बोला मैंने कि उल्टी गंगा नहीं बहती है और ना आपको बहानी है। बस बेटे कैपिटल फंड यहां लिखो। लो जी, ये लिखा गया है कैपिटल फंड 59,000। खत्म बेटे, बस क्वेश्चन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये लो, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे और इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है अपेरेंटली, पता चल रहा है। अपेरेंटली मतलब ऊपरी तौर पे देखा जाए तो ही पता चल रहा है कि ये ज्यादा आ रही है। ये हो गया 90, 94, 95, 96, 96,300 आ रहा है जी क्रेडिट साइड का टोटल। अब इसमें से डेबिट साइड को माइनस करो तो अपने पास आएगा सरप्लस। सरप्लस को ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सर ये क्या हमें बार बार लिखना पड़ेगा क्या? सर कुछ बताओ ना, इस ना लिखे तो क्या होगा? बेटे ना लिखना पड़ता तो मुझे किसी जानवर ने थोड़ी ना काट रखा है कि मैं आपको जबरदस्ती यहां पे लिखवाऊंगा। ये लिखना तो पड़ेगा, ठीक है? बोलो बेटे कितना आएगा आंसर? 59,000 सब्ट्रैक्ट करके यही सरप्लस कहां चला जाएगा? कैपिटल फंड में हो जाएगा प्लस। अपने पास कैपिटल फंड पहले 59,000, ना 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 ना, गलत आ रहा है, गलत, सॉरी सॉरी, ये 59 नहीं है बेटे, 38,200 है। इसे सही करिए, 59,000 नहीं है, 38,200 का सरप्लस है। ठीक है जी, गलती से बेटे जी लिख दिया था, आई एम सॉरी, 38,200। अब इसमें प्लस कर दीजिए तो ये बनेगा आपका 97,200। और अब दोनों हाथ जोड़ो, एक पैर पे खड़े हो जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारी दोनों साइड इक्वल आए। और बेटे प्रभु कभी भी आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की दुआओं को अनसुना करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मुबारक हो, बैलेंस शीट इसमें भी हमारी मैच कर रही है। समझ में आया आप सभी को? ये बोलिए, किसी भी बच्चे का अगर डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।